Starting with the eighth part, here it says an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. U आपको कितना दिया हुआ है? Minus 10. F आपको कितना दिया हुआ है? Focal length कितना दिया हुआ है? 15 centimeter. और हमें पता है कि convex mirror का positive होता है क्योंकि वो right side पे बनता है ना, हमारी rays right side पे जाके meet होती है, तो 15 centimeter would be on a positive one. V हमें find out करना पड़ेगा क्योंकि position निकालनी है और nature निकालना है. तो V कैसे find out करोगे? With the help of mirror formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V would be as it is. U की value आपकी कितनी है? It is minus 10. F कितना है आपका? Positive 15. अब आपने V निकालना है ना, तो right side पे आप क्या करोगे? Minus 1 by 10 को ले जाओगे, तो पॉजिटिव 1 बाय 10 हो जाएगा. अब वैल्यू कितनी आएगी आपकी 15 और 10 का एलसीएम लेने पे? इट वुड बी 30. और पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को 3 से, सो दिस विल गिव यू वैल्यू एज 5 बाय 30. तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 30 बाय 5. रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो इट वुड बी 6 सेंटीमीटर, दैट टू बिहाइंड द मिरर. एंड द इमेज वुड बी विच वन? वर्चुअल वन एंड इरेक्ट वन. क्योंकि साइज यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इमेज मतलब हमें वी क्या है दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर की राइट साइड पे हमारा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल होगा. और कैसा होता है इसमें? इरेक्ट होता है. ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज भी ऐसी ही है राइट साइड पे. ठीक है, सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर द 8th पार्ट. नाउ मूविंग टू द 9th.